हाय गाइस और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं सोचा कि आज थोड़ा सा आप लोगों के अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और एक्सपीरियंस शेयर मतलब क्या है यार, कि जैसे आप PSU में जॉब करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो, तो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करो, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी। तो सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करता हूँ आप लोगों से मैं। और बात ये कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो कैसा है, क्या है, PSU में कैसा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे किस तरह का हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलता है आपको। तो पर्टिकुलर आज हम लोग बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, सेल। आप लोगों को पता होगा भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बनपुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। तो प्रेजेंटली मैं भिलाई में हूँ अभी। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है बताऊँ तो, यहाँ पे बेसिकली हम लोग का 800 बेड का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल जाता है। और एक ज़माना था यहाँ पे भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल का बहुत नाम था, बट अभी भी है। कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, बट हम लोग 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे। मल्टीपल आपका डिपार्टमेंट अवेलेबल है, गायनिंग, ऑर्थो, न्यूरो, आपका मेडिसिन, गैस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी भी है यहाँ पे, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे किस तरह का फैसिलिटी होता है, जैसे किसी को जॉब लग गया, जैसे मैं जॉब लगा था, तो यहाँ पे आपका जितने फैमिली मेंबर है ना, आपका सब फैमिली मेंबर का एक मेडिकल बुक बनता है, एक्चुअली OPD बुक बनता है। उस बुक में आप पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का एक फ़ोटो रहेगा, उसका एम्प्लॉई का पर्सनल नंबर रहेगा, डिपेंडेंट नंबर रहेगा, ऐसे करके एक बुक रहता है बड़ा वाला कॉपी टाइप का। तो किसी को भी अगर दिखाना होता है ना, तो वहाँ पर आप सीधा बुक लेकर हॉस्पिटल चले जाओ और अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपको, या फिर लाइन में लग जाओ, वहाँ पे डॉक्टर जो है बैठा होगा वो देख लेगा, डॉक्टर देखता है, उसके बाद वो मेडिसिन लिखता है। तो मेडिसिन और बुक आप लेके फार्मेसी में जाना है, हॉस्पिटल का फार्मेसी में जाना है, वहाँ पे आपको सारी दवाई फ्री मिलता है और इस तरह का आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये नॉर्मल OPD वाला है, आप पैदल चल के गए वहाँ पे और पूरा सब कुछ फ्रीली आपका हो जाता है। वहाँ पे दिखाना है, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होना है, कुछ डायग्नोसिस करना है, CT स्कैन जैसे हो गया MRI करवाना है, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट करना है, थायराइड टेस्ट करना है, तो यहाँ पे भी डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं, वो भर के आपको पर्टिकुलर सेंक्शन में जाना है, वहाँ पे ट्रीटमेंट आपका सब सैंपल लेते हैं, टेस्ट होता है, वो सब फ्री रहता है PSU में, सॉरी मेरे यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट में जो फैसिलिटी है। और ये तो हो गया OPD वाली बात। मान लो आपको कुछ सर्जरी वगैरह करना है, जैसे मेरा लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था तो मैं भिलाई आ गया था, यहाँ पे एडमिट हुआ था, तो मेरा फ्रैक्चर वाला इशू था, मल्टीपल ऑर्थो डिपार्टमेंट का था। तो यहाँ पे जैसे क्या, हर जगह पे सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो जाता है फ्रैक्चर वगैरह का, बट मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया पे था, हिप एरिया में था, तो मेरा हाथ में भी था यहाँ पे, रिस्ट में और हिप में भी था। तो हाथ वाला जो है फ्रैक्चर का सर्जरी यहाँ पे हो गया, ये नाक वाला थोड़ा सा टेढ़ा जो है, इसका बोले कि कोई इशू नहीं, नॉर्मल है, तो इसलिए सर्जरी नहीं हुआ, बट हिप वाला जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो वाला फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, सर्जरी कर नहीं पाते यहाँ पे, तो मुझे इसके लिए मतलब बाहर रेफर किया गया। तो यहाँ पे जो है कुछ जो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको बाहर रेफर कर देते हैं। ये भिलाई का कल्चर है, बाकी राउरकेला में भी यही कल्चर है। आपका कोल इंडिया अगर पकड़ते तो कोल इंडिया में बहुत ही वो आइसोलेटेड एरिया पे उनका माइंड्स वगैरह रहता है, एम्प्लॉई लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छा नहीं रहता। तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा एक हॉस्पिटल रहता है, वहाँ से आप जाओगे और डॉक्टर फिर वहाँ पे रेफर करने के लिए भेजते हैं सीधा। कोल इंडिया में रेफर करने का बहुत अच्छा एक प्रोविजन है, मतलब आपको जाओ और अच्छे ताबड़तोड़ ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। और भिलाई में क्या ट्रीटमेंट आपको करना है यहाँ पे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर मेजर यूज है तो आपको फिर रेफर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सर्जरी वगैरह है तो मेजर है तो आपको रायपुर रेफर करते हैं, नागपुर करते हैं, भेलोर करते हैं, वाइजाग करते हैं, काफ़ी सारे एरिया रेफर करते हैं। तो OPD के लिए एकदम सब कुछ यहाँ पे मैनेज हो जाता है, और आपका सर्जरी वगैरह मेजर है, बड़ा कुछ इश्यू है तो उसके लिए भी आपको बाहर रेफर करते हैं। तो कुल मिला के बोलेंगे तो यार मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं बोल सकते, बट हॉस्पिटल में जो मेडिकेशन दवाई वगैरह मिलता है ना, वो थोड़ा सा मतलब वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल ऐसे उस पर लिखा रहता है, बट वो कितना काम करता है नहीं करता वो एक अलग मैटर है, बट उस टाइप का दवाई यहाँ पे मिलता है। जैसे आप प्राइवेट में कोई दवाई खरीदते हो, कॉन्फिडेंट आता है यार मैंने पैसा पे किया वो अच्छे से काम करेगा, गवर्नमेंट दवाई फ्री में मिलता है, काम नहीं करता, लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ रहता है, बट इस तरह का फैसिलिटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई में मिलता है। तो ये सोचा कि मैं आप लोगों से एक बार शेयर करता हूँ कि किस क्या क्या मेरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ पे। तो और आप एक बार नौकरी पर लग गए तो यार फैमिली आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आपका फैमिली मेम्बर और सबका ट्रीटमेंट जो है
फ्रीली होता है, एम्प्लॉई है उसका, डिपेंडेंट जितने भी हैं सबका, तो ये काफ़ी एक अच्छा स्कोप है। आप लोग अगर PSU के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस तरह का फैसिलिटी आपको मिलता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सब रेफरल के चलते, रेलवे में आप हैं तो रेलवे का क्या, हॉस्पिटल वगैरह अब नहीं रहता, आपको सीधा वहीं से रेफ़र कर देते हैं, आप हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पर दिखाओ। रेलवे का हो गया, कोल इंडिया का हो गया, और भी कुछ कंपनियाँ हैं जो कि रेफ़र करते हैं पूरा, उनका मेडिसिन वगैरह रहता नहीं। और कुछ कंपनी का जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस कार्ड रहता है, वो लोग करते हैं। बट सेल का थोड़ा सा ठीक है, मतलब इमरजेंसी में आपको कई बार आपके पास पैसा होता नहीं होता, तो आप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ होगा। तो मैं सोचा आप लोगों से ये वाला एक शेयर करता हूँ कि क्या मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, पर्टिकुलरली स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड विलेज प्लान में। तो होपिंग है आप लोगों को ये जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर वीडियो, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय बाय।